आप लोग सब लोग हाथ उठाएं, रेज हो रहे हैं, ओके हाथ नीचे कीजिए, हाथ गाल को लगाएं, सर को लगाएं, है कि नहीं, हाथ थोड़ा ऐसे कीजिए, सब लोग ताली बजाइए। तुम वो ताली तो बजाते नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपका हाथ आपका बात माना, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन है आप लोग को, आपका हाथ आपका बात कभी नहीं मानेगा, बताइए। आप चाहेंगे तो आप हाथ ऊपर उठा नहीं सकते, ताली बजा नहीं सकते, कभी होगा वो संभव? हाँ, हाथ काट दो। आप चाहेंगे, अभी आप चाहे तो आपका हाथ उठ गया, लेकिन आप चाहेंगे तो भी आपका हाथ आपका बात नहीं सुनेगा। नहीं, बंधा नहीं है, आपका हाथ फ्री है, फिर भी नहीं सुनेगा, ताकत नहीं रहेगा। ओके, हाँ, नींद में ओके। और कुछ? अरे नींद में तो आजकल मन ज्यादा निर्लज रहता है, है कि नहीं? पैरालिसिस हो जाएगा, राइट। और ओके, जब आपको 15 दिन खाना नहीं दिया जाएगा, ओके ना, तब हाथ उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। 15 दिन खाना नहीं देंगे तो शक्तिहीन हो जाएंगे आप, और शक्तिहीन होने के पश्चात आप चाहेंगे तो अब तो भी आपका हाथ नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि हाथ के पास शक्ति नहीं है। जब हाथ के पास शक्ति रहता है तो आपका बात हाथ क्या है, सुनता है। लेकिन हाथ के पास जब शक्ति नहीं होता है, आपका बात हाथ नहीं सुनता है। तो हाथ को आपको भोजन देना पड़ेगा, शरीर को भोजन देंगे तो शरीर का अंग आपका डायरेक्शन से कार्य करेगा। शरीर को आप भोजन नहीं देंगे तो शरीर का अंग आपका डायरेक्शन के अनुसार कार्य नहीं करेगा, आपका बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं। तो ठीक उसी प्रकार मन को भी हमें भोजन देना पड़ेगा। तो शरीर को शक्ति देने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और मन को शक्ति देने के लिए भजन की आवश्यकता है। भगवान के भजन हमें करना चाहिए। तो भगवान का भजन जब हम करते हैं, मन को शक्ति मिलता है। लेकिन कृष्ण का भजन छोड़कर, रामायण महाभारत को छोड़कर, बाकी जो हम मॉडर्न कल्चर के बारे में सुनते हैं, वो भी मन के लिए भी एक प्रकार की भोजन है। तो आपके भजन क्या है? आप भगवान का भजन कर रहे हो या संसार का थर्ड क्लास व्यक्ति का भजन कर रहे हो? तो ये संसार का थर्ड क्लास व्यक्ति का भजन करेंगे तो आपका माइंड क्या बन जाएगा? थर्ड क्लास बन जाएगा। ये संसार का सेमलेस पर्सनालिटी से उनका भजन आप करेंगे तो आपका माइंड क्या बन जाएगा? सेमलेस बन जाएगा, निर्लज बन जाएगा। ऐसे ही हुआ है, आज हम लोग निर्लज बन गए। शर्म आता है तिलक पहनने में, शर्म आता है धोती कुर्ता पहनने में, शर्म आता है साड़ी पहनने में। क्यों? क्योंकि हमने सेमलेस पर्सनालिटी से सुने हैं, देखे हैं, इसलिए बेशरम बन गए हैं। इसलिए मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न लाइफस्टाइल और मॉडर्न बॉलीवुड हॉलीवुड को आप सुनते हो, देखते हो, तो आपको क्या बनाता है? वो सेमलेस बनाता है। और भगवान की कल्चर का आप सुनते हो तो आपको सेमफुल बनाता है। देयरफॉर कृष्णस कल्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमारा मॉडर्न कल्चर हमको वल्चर बना देता है, और वल्चर डेड बॉडी के पीछे ही पड़ता है। वल्चर का कल्चर ही टू ईट डेड बॉडी, टू एंजॉय डेड बॉडी। सिमिलरली आप वेस्टर्न कल्चर सुनेंगे तो हम भी वल्चर बन जाते हैं, और वल्चर जैसे वी ट्राई टू एंजॉय दी डेड बॉडी, और डेड बॉडी को एंजॉय करने की प्रयास करते हैं लोग बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कल्चर। इसीलिए रुक्मिणी देवी यहां पर क्या बोल रहे हैं, मैं आपका चरित्र सुन रहा हूं
इसलिए मेरा जो सेमलेस माइंड है क्या बन गया है, सेमफुल बन गया है, निर्लजता को छोड़ दिया है, शांत हो गया है। इसलिए हमें जनरली क्या करना चाहिए, भगवान का चरित्र सुनना चाहिए।